Hello everybody, welcome back to my channel. So I am starting this vlog a little late. Breakfast कर लिया मैंने but breakfast का मैंने shoot नहीं किया है because आज Sunday है और आज मुझे उठने में थोड़ा late हो गया तो I was in a hurry तो मैंने सुबह का vlog नहीं किया, सुबह का shoot नहीं किया. So straight away मैं अभी ये haul video से start करती हूँ. तो सबसे पहले मेरा package है from Amazon. मच अवेटेड पैकेज बिकॉज मैंने मंगाया है माइक बिकॉज बहुत कंप्लेन आ रहा था मेरा व्यूअर्स से, स्पेशली मेरा रिलेटिव्स जो लोग डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, मेरे दीदी लोग कजिन लोग बता रहे थे कि मेरा वॉइस इतना कभी कभी ऑडिबल नहीं होता है, पूरा फ़ोन को कान में लगा के सुनना पड़ता है. तो दीदी लोग, आप लोग का ये परेशानी को भी दूर करने के लिए मैंने मंगाया है माइक. तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो को आप अभी जितना हो सके बार 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 देखना, ठीक है? स्पेशली फॉर माई डियर सिस्टर आना गुड़िया, बेचारा पूरा कान में ऐसे लगा के सुनते मेरे लिए, क्योंकि शी वॉन्ट्स कि मेरा चैनल ग्रो करो. तो शी मेक श्योर कि लाइक जितना वीडियोज़ मेरे देखने के लिए. तो आना देखिए, मैं एकदम पूरा माइक लगा के अभी अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी. सो माइक भी आ गया है तो आज का वीडियो माइक के साथ ही करते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइस, अभी बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ माइक होता है बट यही कुछ एक था जो मेरे बजट के अंदर था. आई थिंक आई पेड, ये कितने का है एक्चुअली में है, ये कितने का था इस, अरे इसका वो कहाँ चलेगा, कहाँ है, कहाँ कहीं कहाँ कहीं. आई थिंक इट्स फॉर, इसका MRP कुछ 3000 कुछ का था वो. हियर इट इज, इसका MRP है कुछ 2000-3000 रुपये का, बट आई गॉट इट फॉर कितना, 800 रुपये का. सो काफ़ी अच्छा डील रहा है. इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन करके यहाँ लगाते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है. अरे कहाँ चलेगी इससे, यस ये है माइक को यहाँ ऐसे कनेक्ट, ये इसका, ये टाइप सी के लिए, बट मेरा फ़ोन में ये नहीं होगा तो इसलिए इसके लिए ये भी प्रोविजन है, ये iOS के लिए. सो काफ़ी अच्छा है, लेट अस सी क्वालिटी के साथ है. एक बार वीडियो में डाल के देखते हैं. अरे अरे हेलो हेलो, एक बार बात करके देखता है, उसके बाद वीडियो को मैं पॉज करती हूँ, फिर एक बार देखती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, एक बार देखती हूँ मैं. बस ये माइक पहनने के बाद ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये जिप की वजह से यहाँ पे बार बार यहाँ लग के ज़्यादा लाइक नॉइस क्रिएट होता है. तो लेट अस मूव टूवर्ड्स अ सेकंड प्रोडक्ट. तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि विद माइक ज़्यादा अच्छा था विदाउट माइक प्लीज. चलो दूसरा प्रोडक्ट है मेरा, दिस इज़ वेल, मेरा चैनल में ज़्यादा वुमेंस लोग की या फीमेल्स ही ज़्यादा देखता है, तो आई डोंट थिंक सो ये मतलब ये लड़का लोग के कुछ काम का है, बट लड़का लोग भी गिफ्ट दे सकते हैं अपना वाइफ अपना गर्लफ्रेंड को. सो इसको थोड़ा डिस्टेंस में रखते हुए, नहीं तो ज़्यादा आवाज़. यस दिस इज़ व्हाट, ब्रा का स्ट्रैप, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वी डील विद दिस प्रॉब्लम कि ब्रा जो हमारा कप साइज के लिए ठीक होता है बट पीछे का जो होता है उसमें टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी भी टी शर्ट पहनो कुछ भी कपड़ा पहनो तो पीछे से बहुत ख़राब शेप आता है. तो मेरा भी कुछ एक दो ब्रा ऐसा है जो नया है, तो कप साइज़ ठीक है बट स्ट्रैप जो पीछे का थोड़ा टाइट होता है जिसकी वजह से सफोकेटिंग भी बहुत होता है. तो व्हाई शुड वी स्ट्रगल, क्यों इतना खुद को मतलब तकलीफ देना, राइट? हम लोग को कंफर्टेबल फील, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल हाउ आर वी लाइक आई फील कॉन्फिडेंट. तो मैंने ये एक मंगाया, एक्चुअली मैंने ये जो मंगाया था सेट ऑफ टू मंगाया था, बिकॉज सेट ऑफ वन नहीं आता है तो वी हैव टू बाय सेट ऑफ टू, जिसमें तीन कलर था, ब्लैक कलर था, बेज कलर था, बेज मतलब क्रीम कलर और वाइट कलर था, लेकिन और साइज भी इससे थोड़ा छोटा था. बट आई डोंट नो, मे बी अमेजन का डिलीवरी कुछ उल्टा फुल्टा हो गया होगा, बट लेट्स सी. आई एम प्लानिंग टू रिटर्न दिस, तो मैं दूसरा वाला इसे थोड़ा सा पतला स्ट्रैप वाला मंगाने के लिए करूँगी, मैं इसको मैं रिटर्न कर दूँगी या फिर मैं रख लेती हूँ इसे और मैं दूसरा वाला को भी ऑर्डर करती हूँ. नाउ कमिंग टू माई स्किन एसेंशियल, जो मैं
अपने लिए यूज करती हूँ, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नायका से ही मंगाती हूँ, एक्चुअली मैं नायका से ही मंगाती हूँ, तो नायका शुड बी प्रमोटिंग मी, लाइक सेंड मी फ्री गिफ्ट्स प्रोडक्ट टू प्रमोट, बिकॉज मैं जो भी रिव्यू दूंगी यहाँ पे जेन्युइन होगा, और बहुत सारा चीज तो ऐसा है कि जो मैंने 3-4 साल से यूज कर रही हूँ. तो सबसे पहले प्रोडक्ट होगा मेरा फ्रॉम प्लम. वेल दिस इज अ ऑयल क्लेंजर, क्लेंजिंग बाम है, ऑयल क्लेंजर जो मैं एक्चुअली कॉन्शियस केमिस्ट का यूज़ कर रही थी, और इसको यूज कर करती हूँ मैं कॉन्शियस केमिस्ट का, बट दिस टाइम आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई दिस प्लम का, बिकॉज अभी तक जितना भी प्लम का प्रोडक्ट यूज़ किया है मेरा, इट हैज रियली लाइक सूट माई स्किन टाइप, तो दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू गिव इट अ ट्राई टू दिस प्लम. प्लम बी गुड, प्लम बी गुड लाइक मी, लाइक छोटन मैरक पा भी गुड होना चाहिए. ओके दिस इज फॉर कितना है, 545, एंड इट हैज कॉस्ट मी फॉर अराउंड 450 ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ ऐसा ही कुछ कथा हुआ. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, यस दिस इज फ्रॉम द नायका ब्रांड इट सेल्फ, नायका का ब्लेंड प्रो, जो मेरा ये जो है आईब्रो शेडो, आई शेडो ब्रश है, बिकॉज वट आई यूज टू डू इसकी एंड वट आई एम स्टिल डूइंग इसकी, मैं अपनी जो फिंगर्स लिटिल जो मेरे रिंग फिंगर से मैं लगाती हूँ, लेकिन अभी इट्स टाइम कि थोड़ा बहुत सीरियस लेने के लिए मेकअप का स्किल के लिए, तो आई हैव ऑर्डर दिस. दिस इज से कितना कितने का है ये आपका, 299, तो कुछ डिस्काउंट में आई थिंक आई गॉट इट फॉर 200 rupees. एंड द नेक्स्ट इज दिस, दिस इज हाइरोलोनिक का. वेल आई एम रियली सॉरी, अरे पानी गिरा दिया, ऐसे क्लम्सी हूँ. वीडियो शूट करते करते बीच में एक कॉल आ गया था, जिसके वजह से फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा. सो द लास्ट प्रोडक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट इज ये कॉन्शियस केमिस्ट का हाइरोलोनिक एसिड सीरम. वेल कॉन्शियस केमिस्ट का मैंने ऑयल क्लेंजर तो यूज़ किया है, बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि मैं ये कॉन्शियस केमिस्ट का सीरम यूज करूँगी. तो इसका है दाम कुछ 599, और मुझे पड़ा है कितना जितना पड़ा होगा, आई थिंक इट कॉस्ट मी अराउंड 450 rupees. सो नेक्स्ट लेट अस सी कैसा है, बिकॉज इट इज लाइक इट प्रोमिसेस टू गिव अ वेरी हाइड्रेटिंग एंड प्लम्पिंग स्किन, तो वो होता है कि नहीं मैं आप सबको रिव्यू भी दूंगी, और वो भी जरूर जेन्युइन रिव्यू रहेगा मेरा. और नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा मेरा दिस वेस्लिन का, दिस इज अ बॉडी लोशन. वेल इसका जो टेक्स्चर है, द स्मेल इट्सेल्फ इज वेरी गुड, इसका जो टेक्स्चर इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, लेकिन ग्रीसी नहीं. नहीं तो बोरो प्लस लोग लगाने के बाद एक होता है ना बहुत चिपचिपा सा महसूस होना, वो ऐसा नहीं, स्किन में आपको बहुत ही हाइड्रेट कर देगा, लेकिन ऐसा नॉन ग्रीसी है ये. इसका कुछ 200 ml है, और ये 300 रुपये का आता है, बट मुझे ऑफर में ये 200 रुपये का. वेल मैंने वीडियो आधा में ही लाइक मेरा बैटरी वो हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था फोन, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया, और मैंने फिर एक उसके बाद एक वीडियो बनाया था जिसमें माइक लगा के, लेकिन ये माइक में बैटरी नहीं था, बिकॉज जब से वो कल जब रिसीव किया इसके बाद मैंने कभी चार्ज ही नहीं किया, तो आई हैव टू चार्ज दिस. यस तो मैं विदाउट माइक के ही सामान को फिर से कंटिन्यू करती हूँ. सो द लास्ट प्रोडक्ट हम लोग ने बात किया था कॉन्शियस केमिस्ट का, उसके बाद ये प्लम का राइस वाटर, दिस इज राइस वाटर एंड नायासिनामाइड का टोनर है, ये काफी अच्छा है, मैंने पहले भी यूज किया हुआ इसका, और दिस इसके बाद मैंने सोचा कि वाइन और फेयर से इसको मंगाया जाए, बिकॉज ये स्किन के लिए काफी अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए काफी अच्छा है ये, एंड इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा था मेरे स्किन पे. और इससे पहले मैं यूज कर रही थी वो क्लेयर्स का टोनर, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, इट्स जस्ट ट्रिपल प्राइस ऑफ इसका, वो 1500 कुछ का है और ये 450 का है. तो आई वॉन्टेड टू गेट अ थिंग जो स्किन के लिए भी अच्छा हो, स्किन फ्रेंडली भी हो, प्लस पॉकेट फ्रेंडली भी हो. तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई वुड सजेस्ट इज दिस, दिस इज वेरी सिंपल येट वेरी वेरी इफेक्टिव ऑन योर स्किन. ओके एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस हाइपर कर्ल
मस्कारा फ्रॉम मैबेलिन, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव नोट पे चला जाता है, दिस इज सेम 430 रुपीज का है एंड इसमें ज़्यादा कुछ डिस्काउंट नहीं मिले, 40 रुपया का ही मिला, पर इट्स रियली गुड, मैंने पहले भी इसको यूज़ किया हुआ है एंड मेरे मेकअप्स के लिए इतना अच्छा तो नहीं है, बट आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन द मेकअप स्किन ऑन माई आईज बिकॉज मुझे आई शेडो लगाना फिर मस्कारा लगाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसे इन्वेस्ट किया और ये जल्दी ड्राई आउट नहीं करता, आपका ये 6 to 8 months अच्छा से चलेगा। एंड द लास्ट प्रोडक्ट्स आर दिस, दिस आर द फ्री गुडीज जो मुझे फ्री से मिला है नायका की तरफ से, प्लम की तरफ से। सो ये प्लम का दो आया है, एक जो है आपका राइस वाटर नायासिनामाइड का हाइब्रिड सनस्क्रीन एंड ये एक, ये भी राइस वाटर एंड नायासिनामाइड जो है जेल मॉइस्चराइजर, सो यूज करके देखती हूँ, अगर अच्छा है तो आई कैन ऑर्डर सम मोर इन द नियर फ्यूचर। उसके बाद ये द बेस्ट, ये है बॉडी मिस्ट जो फ्लेवर है प्लम फ्लेवर का ही है, तो काफ़ी अच्छा है ये बिकॉज इसका ये क्या फ्रेग्रेंस जो क्या होता है कि बिकॉज एक मेरा मैम है टाशी मैम जो आप सबको देखते हैं वो भी यूज़ करते हैं प्लम का प्रोडक्ट स्पेशली बॉडी मिस्ट, तो काफ़ी स्मेल अच्छा आता है, तो ये प्राइस वाइज भी ठीक है इसका, अंडर आई थिंक इट्स अंडर 400, इट्स 375, येट इसका जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ओके देन इतना ही था मेरा हॉल वीडियोस, आगे जाके कुछ मंगाती हूँ तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, और लंच तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज आई रियली आई एट माई ब्रेकफास्ट रियली लेट, तो ब्रंच ही हो गया था मेरा, सो अभी मैं इवनिंग आई विल वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, उसके बाद नेटफ्लिक्स एंड चिल बिकॉज इट्स संडे ऑफ कोर्स, एंड देन अभी कुछ दिन तो छुट्टी है काम लाइक स्कूल से, तो आई जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड रिसेट, तो उसके बाद मे बी आई सी यू गाइस इन द इवनिंग जब मैं अर्ली डिनर बनाती हूँ, टिल देन टेक केयर एंड तब तक के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो देखते रहिएगा आप लोग। हाय एवरीवन, सो इट्स लेटर इन द इवनिंग, अभी 5:30 ऐसा कुछ हो रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग, कुछ खाने का मन हो रहा है बिकॉज लंच नहीं खाया था, सो आई एम प्लानिंग टू मेक बटर टी, नमक चाय बनाऊंगी मैं और काकुंग जो मकई होता है हम लोग का कॉर्न का, मैंने बॉयल कॉर्न को आप बॉयल है राइट उसको यस थोड़ा सा रोस्ट करता है ये रेत में ना, रोस्ट करके उसके बाद उसको स्मैश करता है, स्मैश जैसे पूरा पाउडर ही नहीं बनाता है, उसको थोड़ा एकदम ग्रेट करता है यस, तो वो काकुंग है तो उसको मैं बटर टी में डुबो के खाऊंगी, यस आई थिंक सो वो सही रहेगा। एंड टुडे आई एम गोना यूज दिस प्लेट, मैं आपको दिखाऊंगी कि एक तरफ में काकुंग और दूसरी तरफ में खे रखने, खे मीन्स वॉलनट, इट्स वेरी लाइक हैवी होगा तो आई डोंट थिंक सो खाना खाने खा पाऊंगी मैं, तो लेट अस मेक सम बटर टी दैट बटर टी। बटर टी बनाने के लिए हमारा इंग्रेडिएंट्स रहेगा सम वाटर जो मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ, कलर के लिए थोड़ा टी लीव्स, अमूल दूध, अमूल बटर एंड थोड़ा नमक, अभी पानी बॉईल हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा भी हम टी लीव्स डाल देते हैं, हल्का सा डालिए तीता नहीं होने के लिए जस्ट कलर के लिए, ओके उसके बाद आप ये मिल्क आई थिंक विल ऐड सम नमक, इतना मत डालिए बिकॉज बटर में ऑलरेडी नमक होता है, सो दिस मच वुड डू आई थिंक, यस ये भी ज़्यादा ही होगा लगा चलो इतना, उसके बाद आप ये दूध डालना रहेगा आपका, some milk, okay I think this much is enough, uske baad butter, actually iska jo traditional process hota hai wo kafi time taking hai, as in usko bahut aapko fritter karna padta hai, aise ek jandum bolte hain hum use, to usme thoda dal ke bahut
अच्छा से शेक करके, सो दैट इसका ये जितना इसका क्या फोम निकलना होता है। लेकिन अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो जस्ट घर पे तो मैं ऐसे वीडियो बनाते समय हमेशा कॉल आता है मुझे, कभी बच्चे कॉल करते हैं, कभी कौन कॉल करते हैं, फिर भी नहीं रुकना है, हमें चलते जाना है, चलते जाना है। सो थोड़ा बॉयल हो रहा है अभी, ज़्यादा चाय पत्ती नहीं डाला इसलिए इसका कलर देखिए थोड़ा सा फीका, ज़्यादा चाय पत्ती डालने से पूरा दूध चाय का जैसे कलर आया है। नमक इसका थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं, नमक ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा बटर डाल दिया, आई लाइक इट मोर बटरी, बटरी 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 अटरली बटरली अमूल। ये लो अभी ये चाय हो गया है रेडी। ये है खे, अखरोट को हम अपने भाषा में खे कहते हैं। तो ये साइड में चले जाते हैं, इसके बाद काकू मैं आप सबको दिखाती हूँ। अरे दिस इज काकू, तो इसको मैं यहाँ डालती हूँ। और ये है, यहाँ पे कुछ वाइल्ड बेरीज भी है मेरे पास, ये इसको हम लोग क्या कहते थे, भूल गए, जैंगोंग, यस जैंगोंग, इट्स अ ड्राइड जैंगोंग। ओके लुक्स वेरी प्रिटी। अभी चाय भी बॉइल हो चुका है, चाय भी डालते हैं, चाय चाय चाय, आई विल ड्रिंक इट, यस सब ब्लैक कप में पी रहे, तो इसको भी ब्लैक में डाल दें, पूरा ब्लैक केक सेट हो जाएगा। नहीं इसमें नहीं पी, I will drink here. Yes, contrast, contrast color. ये गया मेरा स्ट्रेनर और उसके बाद नमक सब। ये काकुंग इसमें डिप कर देते हैं। Like everyone else, जब नया नया प्रोडक्ट हम लोग खरीदता है उसको यूज़ करने में बहुत ही एक्साइटेड होता है, तो इसीलिए आज हम जली जली मुंह धोते हैं प्लम का ऑयल क्लेंजिंग से। इसके लिए बाप रे बाप, इतना मोटी हो गई मेरी शक्ल भी, इतना बदला है। लाइट ऑन कर ना, नहीं कुछ ज्यादा ही टाइट हो रहा है। व्हेन यू प्लेस द कैमरा, हमेशा मेरा फोन में कुछ ना कुछ होता है, हमेशा या तो स्टोरेज का प्रॉब्लम, या तो बच्चों का कॉल, या तो किसी का कॉल। बट एनीवेज फिर भी मुझे कोई नहीं रोक सकता वीडियो बनाने के लिए, सी हाउ डेडिकेटेड आई एम। चलो दिस टिश्यूज आर फ्रॉम मिनिसो, इसका एक सेट में तीन आता है, दिस आर रियली गुड, अच्छा है। तो हल्का सा जेंटली पैक कर देगा, जैसे बात करते करते मैं तो सूख ही गया ही। एंड ये जो टोनर मेरा आया है प्लम का, मैं इसमें डाल दूंगी, ये जो लव अर्थ का, यस ये जो हाइलुरोनिक टोनर है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी जेंटल ऑन स्किन एंड वेरी हाइड्रेटिंग। इसका 300 रुपया का है ये, आपका प्राइस के लिए तो काफ़ी ठीक है, और इसमें ऑफर भी मिलते हैं इफ यू बाय इट फ्रॉम नाइक का। चलो इसको मैं यहाँ डाल। हाय पीपल, आई हैड टू शिफ्ट मेरा कैमरा उधर, जो मेरा फ़ोन का बैटरी, नॉट बैटरी बट द स्टोरेज बहुत फुल हो गया है, तो इसलिए आई एम नाउ लगिंग वाई एम आई आई पैड। तो ओके आई थिंक इट्स ओके,
यस व्हाट वाज आई सेइंग कि ये जो टोनर मैं यहाँ पे डालूंगी बिकॉज इट हैज दिस पंप, पूरा नहीं आटा डाल दूंगी, ये जो पंप है इसको निकालने में काफ़ी हेल्प करेगा बिकॉज टोनर हाथ से पैट करने में थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है एंड देन कॉटन आई डोंट प्रेफर. ओके जस्ट स्प्रे प्रेस स्प्रे कर दिया मैंने, जस्ट लेट इट सिट फॉर 5 to 10 minutes. इतना मोटी होगी डबल चिन भी निकली है. नाइस. और ठूस ठूस के खाओ छोटे, मज़ा आ जाओ. चलो एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी वेयर इज द एसेंस. यस दिस इज फ्रॉम कोजारिक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस. ड्रॉप थोड़ा सा. आई अवॉइड ये एरियाज, टी जोन एरियाज, बिकॉज थोड़ा सा मेरा ऑयली है वो एरियाज ना, सो ब्रेकआउट होने का बहुत चांसेस होता है, सो आई टेंड टू अवॉइड. इसके बाद जो आज नहीं, आज जो लाया था उसको यूज नहीं किया. आई विल, इट्स बिन 2-3 दिन हो गया, आई डिड नॉट यूज नाइसिनामाइड. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम प्लम, तो मैं ये थोड़ा सा लगाऊंगी. वन ड्रॉप on each side. नाइक में भी अच्छे से लगा दे. ये स्टोरेज का क्या करेगा यार, फोन का स्टोरेज अपग्रेड करना पड़ेगा हमको बिकॉज नया फोन खरीदने का ताबे औकात नहीं है, तो स्टोरेज को ही अपग्रेड करना पड़ेगा. ओके नाउ सम आई क्रीम. ये आई क्रीम भी खत्म हो गया लग रहा है. कोई नहीं, इसको लास्ट मसाज करने में यूज करते हैं. ओके व्हाट वी कैन यू डू दिस, ये जो है आज जो गुडीज आए थे फ्रीबीज प्लम का, इसको हम आई कैन यूज दिस एज अ अरे आई क्रीम एज इन इसको लगाऊंगी मैं, उसके ऊपर से ये जो नाइट क्रीम खत्म हो गया उसका उससे मम्मी चल गई. हाँ ज़्यादा निकल दिया, यूज करना पड़ेगा. मैं ऐसे करती हूँ हैक, इसको थोड़ा सा लेके बेसिकली ये तो मसाज करने के लिए है, तो अंडर आई के लिए तो ये यूज कर सकते हैं. पता नहीं आपों के साथ होते कि नहीं, जब भी मैं क्रीम भी में लगा था हाथ मेरे ये थोड़ा ऐसे ही होते और मुझे आप लोग भी गौर कीजिए, आप लोग खुद तो क्रीम या फिर स्किन केयर करते समय आप लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है. मेरा तो बहुत फनी, यू शुड सी. वैसे यू ऑल आर ऑलरेडी वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब, तो देखते ही होगा मेरा फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन आई टॉक, व्हेन एवर आई एक्सप्रेस समथिंग, मेरा एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब हो जाता है. The night cream. The OGs will understand the importance of applying Olay night cream. Night cream. This is one of my favorite. This has been passed down on my from my sister, my elder sister. उसने हमको recommend किया. जब से उसने मुझे recommend किया नहीं तो every time I used to struggle कि कौन सा नाइट क्रीम लगाओ, कौन सा ये लगाने से नहीं होते वो. जब से उसने मुझे ये रिकमेंड किया है और जब से मैंने स्टार्ट किया है, इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years, इट्स वर्किंग एज वंडर ऑन माई स्किन एंड इसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो गोइंग बैक. मैं इसी को लगाती हूँ. सो लगा दिया मैंने, थोप दिया मैंने जितना कुछ थोपना था. वी डू स्किन केयर बट द स्किन डज नॉट केयर, यही तो है. मेरा ओनली कंसर्न इसके में स्किन डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए और थोड़ा पोर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जितना हो सके मेरे फ्रिकल्स लाइटन हो जाए एंड यस रिंकल भी जितना हो सके. 50 साल के बाद भी नहीं निकलने से ठीक है, मेरा बहुत साल हम जब मरने वाला है वो दिन में थोड़ा सा निकलने से ठीक है, या फिर कभी नहीं निकलने से भी ठीक है. आई नो दैट्स इम्पॉसिबल बट कोई नहीं, वन कैन प्री कि ऐसा हो जाए. एंड दिस इज द लिप डॉटन की का है भी. अभी तो इसका नया वो पैकेज भी निकल गया,
थोड़ा सा टेंट है इतना। ओके दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अभी इट्स टाइम टू हिट द बेड। आई शिल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय। ओ यस, सोने में थोड़ा खुशबूदार होकर सोएगा, तो आज ये जो परफ्यूम है उस बॉडी मिस्ट है उसको भी थोड़ा स्प्रे कर लेते हैं। ओके देन, बाय गाइस, गुड नाइट।